अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं रिदा वसीम और आप देख रहे हैं ओपीटीवी ग्लोबल। हम आपके लिए लेकर आए हैं एक जबरदस्त सी डॉक्यूमेंट्री जहां आपको मिलेगा कराची। कराची में ऐसा क्या खास है जो आप देखना चाहते हैं और घूमना चाहते हैं? आप लोगों ने बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अभी तक आप लोगों ने कराची में सुनी तो है लेकिन देखी नहीं है, तो ये काम हम करने जा रहे हैं। तो फिर आपके लिए लेकर आया है ओपीटीवी ग्लोबल एक डिस्कवरी जिसका नाम है डिस्कवर कराची। बाय रिदा वसीम। सो डोंट फॉरगेट टू वॉच। ओपीटीवी ग्लोबल डिस्कवर कराची। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं रिदा वसीम और आप देख रहे हैं इस वक्त ओपीटीवी ग्लोबल। ओपीटीवी ग्लोबल लेकर आया है आपके लिए ज़बरदस्त सी डॉक्यूमेंट्रीज और आज मैं लेकर आई हूं आपको सारिम बर्नी ट्रस्ट। सारिम बर्नी ट्रस्ट मैं क्यों लेकर आई हूं? तो इसलिए लेकर आई हूं कि सारिम बर्नी ट्रस्ट एक बहुत पुराना यहाँ पर अपना काम कर रहा है, जिम्मेदारियाँ निभा रहा है और बरसों से ये अपनी जिम्मेदारियाँ निभाता है, जो कि यतीम बच्चे, बेसहारा लोग, उन सबको ये शेल्टर प्रोवाइड करता है। और हमने कोशिश की कि हम आपको आज ये दिखाएं कि अंदर किस तरह बच्चे रहते हैं और क्या क्या खुशियां सेलिब्रेट करते हैं। अगर कोई खुशियां होती हैं तो वो उसको किस तरह सेलिब्रेट करते हैं, ये हमने कोशिश की अपनी डॉक्यूमेंट्री में दिखाएंगे आपको। तो आइए, मैं लेके चलती हूँ आपको सारिम बर्नी ट्रस्ट। आइए मेरे साथ। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे अकब में बहुत सारे नन्हे मुन्ने बच्चे यहाँ पे मौजूद हैं और यहाँ पर लंच का इंतजाम किया गया है उनके लिए और बड़े शौक से यहाँ पे बच्चे बैठे हैं और बड़े इंतजाम के साथ, बड़े तमीज़ के साथ आप देख सक रहे हैं कि बड़े तमीज़ से वो बैठे अपना खाने का इंतज़ार करते रहे। वो जब तक उनको खाना नहीं मिला उस वक्त तक उन्होंने वेट किया और बड़े तहमुल के साथ यहाँ पर वो मौजूद रहे और अब उनको कहा गया है कि वो स्टार्ट करें। तो आप देख सकते हैं बड़े तमीज़ के साथ ये प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चे यहाँ पर खाना खा रहे हैं, आप देख सकेंगे। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं इस वक्त मैं सारिम बर्नी ट्रस्ट में मौजूद हूँ और यहाँ पर एक खातून हैं जिनसे हम जानते हैं वो यहाँ पे क्यों आई हैं और कब से यहाँ आ रही हैं। ये अल्लाह ताला का इनके ऊपर करम है और लोग भी माशाल्लाह है करने वाले, लेकिन दिल चाहिए। मेन तो ये है कि दिल चाहिए। अब मेरे पास इस वक्त मैं किराए के घर में रहती हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं फिर भी एफर्ट लगाती हूँ कि जहाँ मुझे कुछ नज़र आए कि यहाँ से कुछ हो जाएगा, मैं वहाँ इनका डिस्कशन शुरू कर देती हूँ। और क्या कहना चाहेंगी आप हमारे व्यूअर्स के लिए?
मैं कहूँगी हर एक को आगे बढ़ना चाहिए, अगर कुछ कर सकते हैं, कुछ भी, थोड़ा सा भी, क्योंकि कतरा कतरा दरिया बनता है, तो ज़रूर करना चाहिए, यहाँ के लिए ज़रूर करना चाहिए। ने देखा होगा यहाँ आज भी हम लोग बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए आए हैं, हमारे पोते तो बाहर हैं, लेकिन हमने कहा कि नहीं, इन बच्चों का भी हक है, तो हमें यहाँ भी करना चाहिए इस तरह से। और आज जब हम आए हैं और जो मेरे मेहमान आए हैं मेरे साथ, तो जाहिर है उनको भी स्ट्राइक कर रहा है कि भाई आखिर ये चल कैसे रहा है, तो हमें भी कुछ करना चाहिए। तो मेरा एम ये है सिर्फ यहाँ आने का। और कभी किसी से ज़िक्र भी किया तो मेरे बैक ऑफ द माइंड यही होता है कि मैं बात करूँ, हो सकता है कुछ बात बन जाए यहाँ के लिए। तो बस ये मेरी। बहुत शुक्रिया आप। व्यूअर्स, मैं इनसे जानती हूँ आलिया भाभी हमारे साथ मौजूद हैं, और मैं इनसे जानती हूँ इनके दिल में ख्याल कैसे आया ये सब कुछ करने का। ये बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल टास्क है, और कैसे और क्यों महसूस किया उन्होंने कि ये करना चाहिए सब कुछ? देखिए, ये तो अल्लाह चुनता है, इतनी बड़ी बात तो हम कर ही नहीं सकते कि हमारे दिल में कोई ख्याल आया। ये तो मालिक का करम है कि उसने हमें इस काबिल समझा। ये ज़रूर है कि ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें देखीं, समझी, और अल्लाह ने मुझे पॉजिटिव रखा। मुझे अंधेरे में भी हमेशा उजाला नज़र आता है, क्योंकि मुझे लगता है जब रात बहुत तारीख हो जाती है तो उजाला बहुत करीब होता है। तो अल्लाह ने काम करवाना है, अल्लाह ताला दिल में वो उमंग डालता है, और उसकी मेहरबानी है कि उसने फिज़िकली भी फिट रखा है। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानती हूँ जो बहुत कुछ अच्छा करना चाह रहे होते हैं, लेकिन वो ये ख्वाहिश करते हैं कि हम उम्र आगे चली गई, काश ये ख्याल हमें 30 साल में आता, 40 साल में आता। तो मैं कहती हूँ, नेकी के लिए वक्त का इंतज़ार ना कीजिएगा, वक्त निकल जाता है हाथ से। उस वक्त पे नेकी के लिए आइए जब आपके अंदर एनर्जी हो, जब आपके पास एक कुछ करने के जज्बे के साथ साथ वो ताकत भी हो। अल्लाह का करम, उसने सही वक्त पर सही चीज़ करवा दी है, और अब जितनी ज़िंदगी है इसी काम के साथ है, क्योंकि इस काम के अलावा दुनिया का कोई दूसरा काम अब मुझे समझ में नहीं आता। मोहब्बत बांटो, एक दूसरे के लिए आसानियाँ पैदा करो, और मैं अपनी ज़िंदगी के लिए देखती हूँ कि मैं लोगों के लिए आसानी पैदा करती हूँ, लोगों के बच्चों को प्यार करती हूँ। अल्लाह से दुआ है कि मेरे लिए आसानियाँ पैदा हो जाएँ और मेरे बच्चों से मेरा अल्लाह प्यार कर ले, फिर किसी और चीज़ की ख्वाहिश नहीं रहती। ये भाभी बता सकती है यहाँ पे क्या सेलिब्रेट हो रहा है? यहाँ पे बड़े ज़बरदस्त से रंगारंग बलून्स लगे हुए हैं, बच्चे बड़े एक्टिव हैं, और एक आपने बैकड्रॉप भी तैयार किया हुआ है जो आई थिंक बर्थडे का है, कुछ सेलिब्रेशन हो रही है। तो आप बता सकती हैं किसकी बर्थडे, और यहाँ पे जो बच्चे इस वक्त जोश और खरोश दिखा रहे हैं उसका क्या सीन है? देखिए, यहाँ पर हर खुशी आती है, अल्लाह का करम एहसान है कि इस चार दीवारी में शादियाँ भी होती हैं, इस चार दीवारी में नए बच्चे भी आते हैं इस दुनिया में, और इसी चार दीवारी में हम सालगिराएँ भी मनाते हैं। सालगिरह इस तरह भी होती है कि शेल्टर के बच्चों की हम मना रहे, उनकी सालगिरह, और सालगिरह इस तरह भी होती है कि जो लोग अपने बच्चों की पहली, दूसरी या पांचवी जो भी सालगिरह है वो यहाँ पे बच्चों को लाते हैं और उनके साथ शेयर करते हैं, मेरे शेल्टर के बच्चों के साथ। सालगिरह इस तरह भी होती है जैसे आज है, आज ग्रैंड पेरेंट्स आए हैं दो बच्चों के, और वो ग्रैंड पेरेंट्स यहाँ पर ये सालगिरह मनाकर अपने बच्चों को ये पैगाम दे रहे हैं जो पाकिस्तान में नहीं है, जो अमेरिका में है, वो उन्हें ये पैगाम दे रहे हैं कि बेटा हमने तुम्हारी सालगिरह इन प्यारे प्यारे बच्चों के साथ सेलिब्रेट की है, और सालगिरह से एक दिन पहले वो वापस अमेरिका पहुँचेंगे और फिर वहाँ सालगिरह बनाकर वो ये वीडियो वहाँ दिखाएंगे कि हमने किन लोगों के साथ ये सालगिरह मनाई है। तो बहुत हमारी जो कौम है, हमारे जो लोग हैं, जो हम पाकिस्तानी हैं, हम दुनिया के किसी कोने में चले जाएं, हम कहीं बैठ जाएं, हम अपने मुल्क को नहीं भूलते, हम अपने बच्चों को नहीं भूलते। हम अगर उन्हें खाना खिलाते हैं तो अपने मुल्क के भी बच्चों को और माओं को खाना खिलाना चाहते हैं। आज की तकरीब यही बता रही है कि वो बच्चे जो इस वक्त पाकिस्तान में नहीं हैं, बाहर हैं, और उनकी उम्र भी एक एक साल है, लेकिन उसके बावजूद पैगाम यहाँ से भरपूर जा रहा है। जो बच्चा एक साल की उम्र में सीखेगा ना कि खुशियाँ किसके साथ शेयर की जाती हैं, तो यादें ज़िंदगी भर उसके साथ रहेंगी। और ये ग्रैंड पेरेंट्स अपना ये सारा अमल ट्रांसफ़र कर रहे हैं। ये है पाकिस्तानी कौम, ये है हमारी सोच, हम अपने कल्चर को, अपने वैल्यू को यूं ही ट्रांसफ़र करते हैं। तो वो सालगिरह है, ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर यहाँ मौजूद हैं, और सालगिरह हो रही है उन बच्चों की जो यहाँ मौजूद नहीं है इस वक्त। अच्छा भाभी, यहाँ पे बच्चे तो मैंने देखे, यहाँ पे और भी हैं कोई जो यहाँ पे शेल्टर में है? यहाँ बहुत सारे बच्चे हैं, यहाँ बच्चे अमानतन भी आते हैं कि उनके माँ बाप यहाँ छोड़ जाते हैं, अगर डिवोर्स हो गई है या खुदा न खासा, अब तो गुर्बत के भी बहुत सारे वाक़े आते हैं कि गुर्बत की वजह से भी आते हैं, तो वो मल्टीपल इशूज़ हैं। तो अब चाहे वो एक घंटे का बच्चा हो, एक साल का बच्चा हो, पाँच साल का बच्चा हो, मेरे पास आ जाता है, मैं दोनों तरह उसको रखती हूँ। मैं उन जगहों से भी उठा के उन्हें रख लेती हूँ जहाँ लोग
दरिंदों के लिए फेंक जाते हैं, जानवरों के लिए फेंक जाते हैं, और मुझे बहुत दुख होता है इस किस्म के जुमलों से, और मैं उनको भी रख लेती हूँ। माँ बाप की तलाक होती है, माँ बच्चे को रखना चाहती है, लेकिन माँ की फैमिली कहती है कि नहीं, जिस आदमी को छोड़ दिया उसकी औलाद भी छोड़ दो। माँ नहीं छोड़ सकती, माँ औलाद नहीं छोड़ सकती। तो मैं अपने इदारे के दरवाजे, अपने दिल के दरवाजे खोल कर कहती हूँ कि ठीक है, जब तक तुम अपने पैरों पर खड़ी नहीं होती, तुम्हारा बच्चा, तुम्हारी बच्ची मेरे पास अमानत है, और एक एक फैमिली के तीन तीन चार चार बच्चे मेरे पास अमानतन मौजूद हैं, और अल्लाह का करम एहसान है जब वो लोग सेटल होते हैं। इसमें माएँ भी हैं और कभी कभी बाप भी मौजूद होते हैं। बापों के साथ भी ऐसा होता है, मर्दों के साथ भी ऐसा होता है कि कोई औरत उनको उनकी बीवी छोड़ जाती है, तो मेरे पास बच्चे रहते हैं, जैसी चीजें सेटल डाउन होती हैं वो वापस जाते हैं, और नहीं होती तो 12-12 साल, 15-15 साल वो बच्चियां मेरे पास रहती हैं। फिर जब वो शादी की उम्र पे आती हैं तो उनकी शादी होती है, और वो शादी शेल्टर होम से होती है। जब कोई रिश्ता मैं देखती हूँ तो उसमें माँ बाप को शामिल ज़रूर करती हूँ कि उनकी मर्ज़ी हो, और अगर माँ बाप रिश्ता ले आए बहुत अच्छी बात है, ना ला सकें तो हम ही सारा एहतमाम करते हैं रिश्ता भी, लेकिन निकाह में और चीज़ों में माँ बाप का होना बहुत ज़रूरी है। व्यूअर्स, आपने देखा आलिया भाभी ने बहुत अच्छी अच्छी हमसे बातें शेयर की, जो यहाँ पर वो उनके साथ हो रही हैं, वो कर रही हैं, पिछले 24 साल से इस स्ट्रेस को रन कर रही हैं अपने हस्बैंड के साथ मिलकर, और बड़े खुश सलूबी के साथ ये अपनी जिम्मेदारियों को निभा रही हैं। यहाँ पे बच्चे भी हैं और कुछ बड़े भी हैं जो यहाँ पे शेल्टर की ज़रूरत है, जिनको उनको ये शेल्टर देती हैं, जिनको मोहब्बत की ज़रूरत है, उनको शफ़क़त और प्यार भी मिलता है यहाँ, वो सब कुछ मिलता है जो एक हमारे घर के बच्चों को मिलता है, वो सब कुछ प्रोवाइड करने की आलिया भाभी पूरी कोशिश कर रही हैं। सारिम भाई बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं, कहीं एफर्ट्स में कमी नहीं आ रही है, और आज हमने कोशिश की कि हम ऐसे ही जगह लेकर आएँ आपको जहां आपके घर में मौजूद बच्चे और यहां पे मौजूद बच्चों में ज़रा सा फ़र्क है, बस ये कि उनके माँ बाप उनके सर पर नहीं है, लेकिन आलिया भाभी और सारिम भाई उनके एज माँ बाप यहाँ पर उनके लिए शफकत का हाथ बने बैठे हैं। बस यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे बच्चे की किसी की बर्थडे सेलिब्रेट की जा रही है, और यहाँ पर बहुत सारे बच्चे मौजूद हैं जो कि अच्छे तरीके से उन्होंने सेलिब्रेट की बर्थडे। और यहाँ पे मैंने देखा कि एक मैम और सर मौजूद हैं, इनसे मैं जानती हूँ यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं, मैं इनसे जानती हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर, आप ये बता सकते हैं यहाँ पे आप क्यों आए हैं और बच्चों की बर्थडे सेलिब्रेट करने आए? हम तो विजिट पे आए थे, 3 हफ्ते हो गए, बच्चे याद आ रहे थे हमारे ग्रैंड किड्स, तो हमने कहा चलो बच्चों के साथ लंच कर रहे, हमारे छोटे बच्चे उनकी बर्थडे है, तो हमने कहा चलो इससे अच्छा मौका कहाँ है, तो हम इसलिए इधर आ गए सेलिब्रेट करने बच्चों के साथ। बस ये इनकी मेहरबानी है आलिया की कि इसने हमारे को अलाउ किया, सारा काम काज तो यही करती, हम तो सिर्फ खाने आए माशाल्लाह। अच्छा मैम आप बताइएगा यहाँ पे क्या जज्बा है आपको यहाँ लेके आया? बस अल्लाह की मेहरबानी थी कि हम यहाँ तक पहुँच गए, इसमें आई हैव नो वर्ड्स ना, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ने ये मौका दिया कि हम यहाँ पहुँच सके, और अल्लाह हर साल ये मौका दे, साल नहीं एवरी डे दे कि इंसान कुछ कर सके दूसरों के लिए ना। ये ऐसी ख्याल आ गया आपको या पहले भी आती रही है? हम दूसरे बहुत काम करते हैं, इस टाइम हमारे 2 छोटे ग्रैंड किड्स थे, तो इस साल हमने कहा चलो, हमारे बच्चे ने कहा कि डैड कैन यू गो टू एन ऑर्फनेज और वहाँ पे हमारी तरफ से सेलिब्रेट, तो अल्लाह ताला ने माशाल्लाह ऑर्फनेज नहीं अल्हम्दुलिल्लाह आलिया से मुलाकात करा दी, जो मेरा इंटरव्यू नहीं उनका इंटरव्यू ले, ये हमने उनसे तो पूछ लिया, अब आपसे भी जानना चाह रहे हैं। हम तो सिर्फ आए बच्चों के साथ, हमारे ग्रैंड किड्स, ये सेल्फिश मोटिव है, ये बच्चे ऑर्फन्स है, ये मैं आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात करना चाह रहा हूँ, और अल्लाह ताला ने ये किस्मत वाले हमारे रसूल जो थे वो ऑर्फन थे, ये लोगों की गलती नहीं है, ये तो खुश किस्मत, हमारी गलती है कि हम इनका केयर नहीं कर रहे। गॉड विल आस्क अस फॉर दिस कि हमने क्या किया, आलिया हैज एन आंसर फॉर इट, वी डोंट। ये बच्चे खुश किस्मत वाले हैं, हमें ये अपॉर्चुनिटी नहीं, हम लूज आउट करेंगे अगर हम इनका ख्याल नहीं करें। व्यूअर्स जैसे कि आप जानते हैं यहाँ पे मैं मौजूद हूँ सारिम बर्नी ट्रस्ट में, यहाँ पे बच्चे की किसी ज़बरदस्त सी सेलिब्रेशन जारी है, बर्थडे की सेलिब्रेशन, बच्चे बड़े खुश और जोश और खरोश मुझे यहाँ देखने को मिल रहा है बच्चों से। मेरे साथ कुछ बच्चे मौजूद हैं यहाँ पर जो यहाँ मुकीम हैं, मैं इनसे जानती हूँ यहाँ पर कैसा लग रहा है और किसकी बर्थडे सेलिब्रेट हुई है, कब से हैं यहाँ पर और क्या नाम है इनके। अस्सलाम वालेकुम बेटा।
वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? जन्नत। जन्नत यहाँ पे कब से हो? 8 साल से। 8 साल से। अच्छा मुझे बताओ यहाँ पे किसकी सालगिरह सेलिब्रेट हो रही है? सैफ की। सैफ कहाँ पर है? सैफ अपने घर में। अच्छा सैफ की सालगिरह यहाँ पे सेलिब्रेट हो रही है और उनके दादा दादी यहाँ पर आके सैफ की बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं इन तमाम बच्चों के साथ। और ये दूसरी बच्ची है इनसे भी जानते हैं, इनका नाम जानते हैं? हाँ बेटा कैसे, क्या नाम बताओ? राबिया। राबिया कब से हो यहाँ पे? आलिया मम्मा को पता है। कैसा लगता है यहाँ पे रह के? कुछ यहाँ पे सब बहन भाई हैं तुम्हारे, क्या फील करती हो? अच्छा लगता है? बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे रह के। इस बच्ची को माशाल्लाह से खुश है और यहाँ पे इनके बहुत सारे फ्रेंड्स भी हैं, है ना? बेटा आप बताओ क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम नूर जोहरा है। नूर जोहरा, अच्छा बहुत प्यारा नाम है। ओके बेटा आप अपना नाम बताओ। जन्नत। जन्नत यहाँ पे कब से हो? 5 साल। 5 साल से। कैसा लगता है यहाँ पे रह के, मज़ा आता है? जी बहुत मज़ा आता है। और कौन सी तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड यहाँ पे कौन सी है? नूर जारा। नूर जारा ही इसकी बेस्ट फ्रेंड है, देख ले भी बराबर में जो इनकी बैठी है, दोनों ही बेस्ट फ्रेंड्स हैं आपस में। ओके अब यहाँ पे एक और प्यारा सा बच्चा नज़र आ रहा है मुझे, इसके लेके आओ। और बेटा कैसे हो तुम, यहाँ पे क्या नाम है तुम्हारा? इधर शमरोज, ये मुझे बड़ा एक्टिव बच्चा लग रहा है यहाँ पे, सबसे ज़्यादा मुझे यही समझदार लग रहा है पूरे बच्चों में। मैंने नोट किया जब मैं आई तो इसी ने मुझे रिसीव किया और बहुत प्यारा बच्चा है, शमरोज नाम है इसका, मुश्किल है थोड़ा सा मुझे थोड़ा। और यहाँ पे इसकी गोद में प्यारी सी एक बेटी है, किसकी बेटी है ये? और यहाँ पे तुम्हारी दोस्त है, फ्रेंड है, क्या है, छोटी बहन है? ये आलिम मम्मा की बेटी है और यहाँ मैं अपने दोस्तों के साथ खेलता रहता हूँ। और यहाँ ये सेंटर बहुत अच्छा है और यहाँ पे बहुत खुशियाँ होती है। आलिमा हमें गिफ्ट देती हैं और सब कुछ करती है, आलिमा अपने अपने साथ साथ रखती हैं। यहाँ पे तुम खुश हो, यहाँ पे मज़े करते हो? ओके व्यूअर्स आप देख सकते हैं इन बच्चों, छोटे बच्चों से मैंने बात की और इनके दिल की बात जानी, ये यहाँ पे बहुत खुश हैं और सेटिस्फाई हैं। इनको जो भी इनकी जो भी वीकनेसेस हैं, जो भी इनके पीछे बैकग्राउंड है सीन, वो सब से ये लोग भूले बैठे हैं। और यहाँ पे आलिया भाभी ने, सारिम भर ने बहुत अच्छे तरीके से इनका टेक केयर किया हुआ है, यहाँ पे ये खुश है। आप देख सकते हैं यहाँ पे केक कटिंग की सेरेमनी मनाई जा रही है और बच्चे बड़े जोश और खरोश के साथ यहाँ टेबल के इर्द-गिर्द मौजूद हैं। यहाँ पे जो बच्चा है जिसकी बर्थडे यहाँ सेलिब्रेट की जा रही है, उसका नाम है सैफ, आप देख सकते हैं, और 1 ईयर का वो बेबी है जिसकी बर्थडे आज यहाँ पे मनाई जा रही है, यहाँ ऑर्फेंस के साथ और यहाँ पे सेरेमनी ट्रस्ट के साथ ये यहाँ पे आए हैं, ग्रैंड फादर एंड ग्रैंड मदर और यहाँ पे दीगर बच्चे इनके साथ मिलकर यहाँ पे मौजूद, तमाम लोग मिलकर खुशी मना रहे हैं सैफ की बर्थडे की। देख सकते हैं मेरे हाथ में एक कार्ड है जो मोहब्बतों से भरा है और ये कार्ड दिया गया है सैफ को, जो कि यहाँ पे इनके ग्रैंड फादर्स एंड मदर यहाँ पर आए हैं और या ऑर्फेंस और यहाँ पे सारिम बर्नी ट्रस्ट में जितने भी बच्चे यहाँ पे मौजूद हैं उन सब के साथ अपने ग्रैंड सन की बर्थडे सेलिब्रेट करने आए हैं। तो यहाँ की से मोहब्बतें उनको दी गई हैं, सैफ को दुआओं से भरा कार्ड दिया जा रहा है और आप देख सकते हैं ये इस वक्त मेरे हाथ में है और कितना खूबसूरत है। इसमें जो लिखा है वो मैं आपको पढ़ के बता सकूँ, आप हमारी दुआओं में शामिल रहें इस तरह फूलों में शामिल होती है खुशबू जिस तरह, खुदा आपको ज़िंदगी में इतनी खुशियाँ दे, होती है बरसात में बूंदें जिस तरह। आप देख सकते हैं यहाँ पर सारिम बर्नी ट्रस्ट में मैं मौजूद हूँ, आपको लेकर आई हूँ, ज़बरदस्ती सालगिरह यहाँ पे सेलिब्रेट की जा रही है और उस सिलसिले में यहाँ पे गिफ्ट्स बॉक्सेस भी जो यहाँ मौजूद हैं, बच्चे जो रहते हैं यहाँ पर उनके लिए गिफ्ट्स यहाँ पर आए हैं और जो उनको भी डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं।
व्यूअर्स आप देख सकते हैं यहाँ मेले का सा समा है, यहाँ पे पॉपकॉर्न की मशीन भी लगी हुई है, यहाँ पे बच्चे बहुत इंजॉय कर रहे हैं, एक्टिविटी दिखा रहे हैं, कुछ लोगों ने कुछ सॉन्ग्स प्ले किए हैं, कुछ लोगों ने कुछ थोड़ा सा ड्रामा सीन प्ले किया है। बच्चे कितना खुश नज़र आ रहे हैं, जंपिंग कैसल का इंतज़ाम किया गया है, बच्चों के लिए रंगारंग तकरीबात यहाँ पे अरेंज की गई और आप देख सकते हैं बच्चे कितने खुश हैं और यहाँ के जंपिंग कैसल में एंजॉय कर रहे हैं। आलिया मम्मा यानी आलिया भाभी के लिए बच्चे नारे लगा रहे हैं, जोश और खरोश के साथ एंजॉय कर रहे हैं। आप देख सकते हैं ये कह रहे हैं आलिया मम्मा जिंदाबाद। कहते हैं कि जब यतीम के सर पे हाथ रखा जाता है मोहब्बत और शफकत का, तो इसके लिए अल्लाह ताला ने बड़ा अजर सवाब रखा है। यतीम का ख्याल करना, उनकी देखभाल करना, उनके लिए वो सब कुछ करना जिनके वो हकदार है। और आज मैंने आपको दिखाया अपनी डॉक्यूमेंट्री में ये सब कुछ, कैसे यतीमों का यहाँ पर ख्याल रखा जाता है, उनको शेल्टर कैसे दिया जाता है, उनकी खुशियों किस तरह सेलिब्रेट किया जाता है, ये सब हमने कोशिश की आपको आज अपनी डॉक्यूमेंट्री में दिखाएं। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी डॉक्यूमेंट्री अच्छी लगी होगी। देखती रहेगा OPTV ग्लोबल। Justice under law. We haven't yet lived up to that promise to marginalized communities across our nation. I'm Faisal Gill. I saw how the color of your skin, so I went to law school because I wanted to fight to make the law work for all, because I wanted to give back, because black lives matter, because we need to incarcerate less and educate more. Deserves justice.